हे एवरीवन, वेलकम टू मीनाक्षीज़ फूड मैजिक। आज हम बनाएंगे बहुत ही यमी सा ओरियो मिल्क शेक, जो बच्चों को तो पसंद होता ही है, साथ ही में बड़ों को भी बहुत पसंद आता है। ये मेरा भी एकदम फेवरेट है। तो ओरियो मिल्क शेक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिए हैं 7 से 8 ओरियो बिस्किट्स। ये सिंपल ओरियो बिस्किट्स हैं। फिर साथ ही में मैंने लिया है 2 टेबल स्पून के करीब शुगर, आप शुगर पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं, और 1 ग्लास फुल क्रीम दूध। ये एकदम चिल्ड दूध है, आप चाहे तो नॉर्मल दूध भी ले सकते हैं। फिर मैंने लिया 1 मिक्सी का जार और उसमें अपने ओरियो बिस्किट्स को मैं डाल दूंगी और इसको हमें मिक्सी पर चलाना है। देखिए, हमने इसको मिक्सी पर चला दिया है और ये एकदम से पाउडर की फॉर्म में बनके रेडी हो चुका है। अभी मैं यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून के करीब जो ओरियो का पाउडर है वो मैं अलग निकाल लूँगी, ये बाद में हमारे डेकोरेशन के काम आएगा। अब जो बाकी बचा हुआ है उसके अंदर मैं डालूँगी सबसे पहले शुगर। ये मेरी 2 टेबल स्पून के करीब शुगर है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर डाल सकते हैं। साथ ही में जो 1 कप दूध हमने लिया था, चिल्ड दूध था ये हमारा, वो हम इसमें डाल देंगे। और अब इन सब चीज़ों को हमें फिर से मिक्सी पर चलाना है। तो देखिए, हमारा शेक एकदम रेडी है, बस 3 इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करना होता है। अब मैंने लिया इसको सर्व करने के लिए 1 ग्लास और इसको मैं थोड़ा सा डेकोरेट कर दूंगी। यहाँ पर मैं एक चॉकलेट सिरप का यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी मेल्ट करके भी चॉकलेट का यूज़ कर सकते हो, कोई भी कंपनी का चॉकलेट सिरप आप यूज़ कर सकते हो। मैंने चॉकलेट सिरप से ग्लास को चारों तरफ से थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया है। भाई, इतनी मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा अच्छा डेकोरेट करना भी ज़रूरी है, उसकी प्रेजेंटेशन भी बहुत ज़रूरी है। साथ ही में मैंने सारा जो मिल्क शेक बनाया था वो मैंने ग्लास में डाल दिया है। अब जो हमने स्टार्टिंग में बिस्किट का पाउडर निकाला था उसमें से 1 टेबल स्पून के करीब मैंने ऊपर से उसको डाल दिया है शेक के ऊपर, और 1 ओरियो बिस्किट मैंने इसके कॉर्नर पर लगा दिया है। लीजिए, आपका ओरियो मिल्क शेक एकदम रेडी है। दिखने में एकदम मार्केट वाला लुक आ रहा है और पीने में बहुत यम्मी लगता है।